अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। आज जो इस दफ़ा आप लोग के लिए मैं ईद स्पेशल डिस्काउंट वाला एक बहुत खूबसूरत घड़िया आप लोग के लिए आया हूँ, जो बहुत स्पेशल और रेयर वॉचेस हैं और कलेक्टेबल घड़िया है, जो एक दफ़ा आती है बार बार नहीं आती है। उसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ये लाइट उसमें है, लाइट शेड में है, बहुत ज़्यादा लाइट शेड ब्लू में है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर है, ये देख सकते हैं। मैश लाइन में बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये यूनिसेक्स वॉच मेरे साथ पड़ी है, मैन और वुमेन दोनों पहन सकते हैं। बड़ी खूबसूरत वॉच है, मैं ज़रा हाथ पे आपको पहन के दिखाता हूँ। और ये जैपनीज है या स्विस है मुझे इसके बारे में श्योर नहीं है कि ये कौन सा है, लेकिन है बड़ी खूबसूरत और स्लिम वॉच है और 100% ओरिजिनल इसका ब्रांड वगैरह आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं हाथ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, स्लिम है। और ये देख सकते हैं वर्किंग टाइम में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एक ऑफिस वर्क के लिए या ईद पे आप पहन सकते हैं। इसका मॉडल वगैरह मैं बैक आपको दिखाता हूँ, जूम और करके देखा। ये देख सकते हैं सेक्जन सेक्जन ऐप का बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये सेक्जन वॉच LT है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये क्वार्ट्ज वॉच है। और इसका डायल भी आप देख सकते हैं, बगैर सेकंड हाफ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और लिमिटेड ये वॉच है ब्रांड की और ओरिजिनल है। इसका मैं डायल साइज आप लोग को बताता हूँ, लाइट ग्रीन कलर में है, बड़ी खूबसूरत ये है। और इसका मैं डायल साइज आप लोग को बता देता हूँ, ये जो है 35 मिलीमीटर में है, 34 मिलीमीटर है बगैर क्राउन के, और क्राउन के साथ ही ये 45 हो जाती है, 46 मिलीमीटर में हो रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मैश डायल में है। ये सेक्जन अवेलेबल है, बड़ी खूबसूरत लाइट ग्रीन में। उसके बाद एक बहुत रेयर और ख़ूबसूरत पीस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये स्पेशल एडिशन है और बहुत रेयर पीस आने वाला है। मैं इसका जूम इन दिखाता हूँ आपको, ये C5 ही ऑक्टस है, बहुत खूबसूरत कंडीशन में और सब कुछ वर्किंग में। मैं आज की डेट ज़रा इस पे सेट करता हूँ और इसकी डेट डे आप प्रेस करेंगे अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये मेरे साथ है, सीको ऑक्टस। और अभी का टाइम भी मैं बराबर करके दिखाता हूँ आप लोग को, ऑक्टस 71 जूल्स में मेरे साथ इस वक्त अवेलेबल है। और बड़ी खूबसूरत वॉच ये है, रेयर एडिशन है, टू 19 इस वक्त टाइम है रात का। और इनका डायल साइज मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी खूबसूरत रेयर वॉच है, बहुत कम आपको ये दिखने को मिलेगी मार्केट में, 40 मिलीमीटर का इसका डायल साइज है। मैं ज़रा इसको दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं 40 नहीं है इस वक्त, 38 मिलीमीटर आ रहा है इसका डायल साइज।
बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक C5 ऑक्टस 71 जूल्स, बहुत रेयर पीस। हंड्रेड परसेंट ओरिजिनल और कहीं पे भी आपको इस तरह पीस देखने को नहीं मिलेगी जो इस वक्त मेरे साथ पड़ी है। कंडीशन भी इसकी 10x10 है, बहुत साफ़ कंडीशन में है। मोस्टली इस तरह ये जो पीस है बहुत कम आने को, यानी बहुत कम आते हैं। ये देख सकते हैं अपने ऑटोमेटिक मूवमेंट इसका वर्क कर रहा है, सब कुछ ओके है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत पीस है और बहुत रेयर आने वाली है, 100% ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल नहीं हो आप उसी टाइम पैसे कैश बैक करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि यार मुझे पसंद नहीं है, ये है वो है, उसमें नो रिटर्न पॉलिसी है मेरी। और उसके बाद मैं आपको एक मस्क दिखाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत क्रोनोग्राफ है ओरिजिनल मस्क की, मस्क कंपनी की तरफ से। ये देख सकते हैं वर्किंग कंडीशन में है और इसमें मुख्तलिफ फीचर्स है, डे डे की तरफ डेटे की डे डे और क्रोनोग्राफ इसमें मौजूद है। और यहाँ पर इसकी टेशीमीटर की लाइन हुई है, मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ आपको, आपको और अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ से। मस्क मस्क एटमॉस्फेयर, बड़ी खूबसूरत स्टाइलिश वॉच है। डायल साइज में इसका आप लोगों के लिए बताता हूँ, ये है 46 mm विद क्राउन, और विदाउट क्राउन मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जैक्ट डायल साइज़, 40 mm इसका डायल साइज़ है। और इसका बॉडी केस बड़ी खूबसूरत और अमेजिंग वॉच है मस्क की तरफ से, मेरे साथ सफाई है। सिंगल पीस ओपल ओपल क्रोनोग्राफ इस दफ़ा फिर से मैं आया है कलेक्शन में, रेयर वॉच है, बहुत कम देखने को मिलती है। ये देख सकते हैं ओपल क्रोनोग्राफ रेसिंग में, सेल इसके अंदर इस वक्त नहीं डलवाया है, लेकिन जब आप बाय करेंगे तो इसको सब कुछ ओके कंप्लीट, यानी सब कुछ ओके करके देंगे जिम्मेवारी के साथ कि ये ओरिजिनल है और बहुत बेहतरीन और रेयर पीस है। ओपल क्रोनोग्राफ की ये स्विस या ये जापानीज है, स्विस नहीं है। उसके बाद सीको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्क्वायर में मेरे साथ आइए। सीको क्वार्ट्ज, और जूम आउट करके उसकी बाकी डिटेल्स आपको दिखाता हूँ। ये इसकी बैक अगर आपको दिख रहा है तो, सीकोम बेस मेटल ST स्टील बैक, बाकी इसका मॉडल वगैरह लिखा है मेड इन जापान। और इसका डायल मैं आपको दिखाता हूँ, ये है 2.9 mm में इस तरह से, और टू पॉइंट एट इस तरह से हॉरिजॉन्टल आपका इस तरह 2.8 आ रहा है और वर्टिकल आपका 2.9 आ रहा है। और उसके बाद ये ग्रैंड्योर की बहुत ज़्यादा खूबसूरत ब्लैक और रेड की कलर कॉम्बिनेशन में बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी और हाथ पे बहुत ज़्यादा मज़ा करती है। ये देख सकते हैं ग्रैंड्योर बिल्कुल वर्किंग पीस है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्री ओन्ड ओरिजिनल वॉचेस है। मेरी जो पर्सनल चॉइस है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि यार ओरिजिनल चीज़ रहा, कॉपी से बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। ओरिजिनल थोड़ी सी यूज्ड होती है लेकिन कॉपी वॉच से बहुत बेहतरीन होती है। कॉपी आपकी इस तरह होती है एक या दो तीन महीने चलती है, अगर आप उनको ख्याल रखें तो वो आपका कुछ टाइम साल तक भी निकाल देती है, लेकिन जो ओरिजिनल होती है वो उनको बनाया इसी वजह से होता है यार, वो इसकी जो रफ़ एंड टफ वो डेली यूज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए होती है। इस वजह से ओरिजिनल जो होती है महंगी होती है, उनकी क्वालिटी वगैरह बहुत यानी अच्छी होती है कंपेयर टू
जो आपकी कॉपीज़ होती हैं। मैंने आजकल नोटिस की है मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉपीज़ आ रही हैं और मैं अवॉइड करता हूँ उन कॉपीज़ को। एक राडो वेंटेज मेरे साथ पड़ी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, स्विस मेड है और ये इसका बैक है। मैं जूम इन करता हूँ, ये देख सकते हैं राडो क्वार्ट्स। थर्टी टू मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल इसका डायल साइज है और वर्टिकल मैं अभी आपको मेजर करके दिखाता हूँ। थर्टी वन इसका जो है वर्टिकल डायल साइज है। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत और स्पेशल रेयर पीस आया है, लग्जरी आपकी सीको क्रोनोग्राफ में है, फ्लाइट मास्टर, और उसको मैं ज़रा निकालता हूँ। कंडीशन 10x10 सीको की है, अलार्म सेकंड स्टॉप वॉच इसमें मौजूद है। बड़ी महंगी आई है क्योंकि लग्जरी है, 10x10 कंडीशन में है। एक वन ऑफ मास्टर पीस है सीको की तरफ से, अपनी ओरिजिनल सीको की ब्रांडिंग हुई है हर जगह पे। मॉडल वगैरह मैं इसका दिखाता हूँ आपको। जापान मूवमेंट, अपनी ओरिजिनल सब कुछ इसकी हुई है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक शोकिया पीस है, 100% ओरिजिनल। रेयर जिमवारी के साथ हाथ पे पहनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। महंगी चीज़ है लेकिन वर्थ इट है। ये देख सकते हैं हाथ पे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आई कैचिंग वॉच। ये है मटेरियल भी इसका स्टेनलेस स्टील है, कंप्लीट वर्किंग अलार्म और सब कुछ इसमें मौजूद है। मैं खुद सजेस्ट करूँगा ईद के लिए, एक बेहतरीन वॉच है। क्रोनोग्राफ वगैरह सब कुछ इसका वर्किंग में है। राडो के बाद एक सिटीज़न है जो आपकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीको टाइप टू के स्टाइल में आई है, देख सकते हैं। सिटीज़न क्वार्ट्स स्क्वायर में मैश डायल में है। सिटीज़न वॉच, ये उसका मॉडल वगैरह बाकी डिटेल्स लिखी हुई। इसका मैं डायल साइज आपको पहले वर्टिकल बताता हूँ, ये केस साइज में आपको बता रहा हूँ। ये 39 मिलीमीटर इसका वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल अभी मैं आपको बताता हूँ मेजर करके। विद क्राउन 38 और विदाउट क्राउन 34 मिलीमीटर इसका डायल साइज है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत, हाथ पे पहन के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट चेन में है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मैश स्टाइल में है, ये अवेलेबल है। उसके बाद मैं आपको एक स्विस दिखाना चाहता हूँ, स्विस राडो गोल्ड प्लेटेड में है, बड़ी खूबसूरत, और ये भी राडो है स्विस की। राडो स्विस में अवेलेबल है और उसके बाद एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्विस ये मेरे साथ अवेलेबल है, स्विस मेड ओरिजिनल केविन पेरिस, ये मेरे साथ अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा रेयर पीसेस, रेयर गड़िया मेरे साथ आई है पाकिस्तान की, बहुत ज़्यादा खूबसूरत अवेलेबल है। ये इसका मॉडल वगैरह है और विंटेज है, अपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। और लेडीज़ में मेरे साथ एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत सिटीज़न आई है, लेडीज़ यूरो और सीको में साथ आई है लेडीज़ के लिए।
उसके बाद में आपको एक सीको टाइप टू देख सकते हैं, जापान की ओरिजिनल बहुत ज़्यादा खूबसूरत विंटेज रेयर डिमांडेड वॉचेस है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत और यानी इसकी अपनी एक लग्जूरियस एक अपनी फील होती है यार। जो इनकी समझ है वो एकदम से मुझे उनको पता होगा कि यार ये क्या चीज़ किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। टाइप वन टाइप टू थोड़ा सा चेन, इसका चेन जो है छोटा है लेकिन हाथ पे आ रही है। टाइप टू मेरे साथ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीको क्वार्ट्ज में, और सही मानों पर ये एक चीज़ बनाई है कंपनी की तरफ से जापान से। टाइप टू बिल्कुल ओके कंडीशन में है। मैं ज़रा आपको इसका और वर्किंग में है इस वक्त टाइम, इसका ज़रा थोड़ा सा मिक्स है। मैं इसका टाइम आपके सामने सही करता हूँ। फिफ्टीन इसको ले जाते हैं, इस वक्त बज रहे हैं 2:31। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत टाइप टू ये मेरे साथ अवेलेबल है सीखो की। इसका डायल मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा स्पेशल वॉच है ये टाइप टू। उसके बाद एक बगैर स्ट्रिप्स की मेरे साथ आई है डीजल 100% ओरिजिनल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत रोज़ गोल्ड में है। जो इसका डायल है वो गिलास का बना हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ से पूरी मेटल की बॉडी है। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, इस तरह मज़ा नहीं आएगा जी। यहाँ पे पूरा गिलास लगा हुआ है, गिलास लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत डीजल है 100% ओरिजिनल क्रोनोग्राफ। और यहाँ पे स्टील की केस है, लेकिन स्टील का केस है लेकिन जो इसकी साइड पे ग्लास की बनी हुई है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आप अपने मर्ज़ी के कोई भी स्ट्रिप्स इसमें डलवा सकते हैं क्रोनोग्राफ वर्किंग में। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे में, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये डीजल मेरे साथ अवेलेबल है, कंडीशन भी बहुत साफ है। ये देख सकते हैं डीजल की, इसके साथ सिर्फ इसका ओरिजिनल बकल मेरे साथ है, बाकी ये अपने इस कंडीशन में है, ओरिजिनल स्ट्रिप्स नहीं है। और स्विस मेरे साथ एल्फेक्स, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक क्लासिकल वर्जन है। प्राइस इसकी हाई होती है मोस्टली क्योंकि स्विस घड़ियाँ लाजमी महंगी आती है और ये बहुत ज़्यादा रेयर पीसेज होती हैं। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और रेयर पीस है। उसके बाद सीको में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जैपनीज, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये सीको क्वार्ट्ज मेरे साथ अवेलेबल है डायल। और इसका बैक मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं सीको जापान। वर्टिकल जो इसकी साइज है वो 30 मिलीमीटर है और हॉरिजॉन्टल में ये है भाई 30 मिलीमीटर, दोनों साइज आपकी 40-40 मिलीमीटर में है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये वॉचेस में सच दफ़ा नहीं आई है। काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर किया करें, इस तरह बहुत ज़्यादा मेरी मदद या हेल्प हो जाती है। बाकी मिलते हैं कोर वीडियो में और भी अच्छी घड़ियों के साथ और व्लॉग्स की वीडियो के साथ।